मायके जाने की एक्साइटमेंट में। यहाँ पे तो ऑलरेडी ना सज रहा है, शादी होके हटी है कि हो रही है अभी, तो अलग अलग ऑप्शंस है। अब एक बार ना थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। आते ही अंजना ने अनबॉक्स करना शुरू कर दिया। और जल्दी रेडी हो जाओ मैडम, कितना टाइम लगना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तैयार कहाँ हो रहे हैं और जल्दी जल्दी किस बात की लगाई हुई है। तो जल्दी इस बात के कि यार हमारी आने वाली है मैरिज एनिवर्सरी, और उसके लिए हमें करना है एक वेन्यू डिसाइड जहाँ पे हम अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर पाए। यार फाइनली मतलब ना लगता तो बहुत अच्छा है कि एक साल होने वाला मेरे को और अंजना को शादी करके, तो उस चीज को सेलिब्रेट करना तो जरूर बनता है। तो उसी के लिए हम निकल रहे हैं। तो करता हूं मैं इस व्लॉग की शुरुआत, तो व्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, एनिवर्सरी के नंबर ऐसे ही दिल खुश हो जाता है। हमारी शादी को पूरे 1 ईयर होने वाले हैं, सीरियसली में विश्वास हो रहा है। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि अभी नवंबर दिसंबर में हमारी शादी थी और अब हमें 1 साल होने वाला है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने ही हुई थी, ऐसा फील होता है। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि छोटा सा सेलिब्रेशन रखते हैं, थोड़ा सा स्पेशल फील करते हैं उस दिन के लिए। तो हमने सोचा कि कुछ देखते हैं, बात करते हैं कुछ और, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उसके बाद, क्योंकि हमने जाना है गुड़गांव। मेरे मायके में शादी भी है रिलेटिव्स की हमारे, और हम इतने टाइम से गुड़गांव में नहीं गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है 6 महीने हो गए हैं मुझे गुड़गांव नहीं गई हूँ मैं। इसी बहाने में अपने पेरेंट्स से भी मिलूंगी, अपने भाई से भी मिलूंगी। तो खुशी किस चीज की ज्यादा, घर जाने की एनिवर्सरी उस चीज की? चलो फिर निकलते हैं। निकलने से पहले अंजना को मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। अंजना ये ले, ये ले, निकलने से पहले इतना बड़ा गिफ्ट। गाइस मैं और पापा ना ये 3 दिनों से पड़ा हुआ देख रहे हैं। पापा बोले इसमें क्या है क्या है, फिर मैंने ना पूछ ही लिया कि इसमें क्या है। एक्चुअली गाइस एक सब्सक्राइबर है जो हमें बहुत पहले मिले थे, तो उन्होंने ना पूरे वो मतलब दिलाई फैमिली और हमारे सबके ब्लॉग जो देखते हैं, तो उन्होंने अक्षय भैया को ऑलरेडी पहले, अक्षय भैया ज्योति का दीदी को पहले दे दिया था गिफ्ट, फिर रोनी भैया और ध्रुव को उन्होंने रोनी भैया के पास ये गिफ्ट दिया है। इसमें क्या है हम शाम को, हाँ तो वो चीज आपको शाम को पता चलेगी। बाकी थैंक्स टू सरगुन भाई, यार आपने इतना ध्यान रखा हमारा, वैसे जरूरत नहीं थी बट आपने दिया है, तो इसको एज अ टोकन ऑफ लव मैंने एक्सेप्ट किया है। बाकी जो भी है गिफ्ट वो आपको शाम को दिखाते गाइस क्या है, अभी निकलते हैं क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। ये तो बताओ ये 3 पैकेट्स आप कहाँ लेके जा रहे हो? ये मैं रोज लेके जाती हूँ यार, आज तो मुझे सूट एक्सचेंज भी करना और सूट सिलाने को भी देना। तो गाइज मेरी ना बात अधूरी रह गई थी। एक्चुअली क्या है ना, तो हम गांव जा रहे हैं, तो गांव में मम्मी बोल रहे थे कि ठंड बहुत है, टेम्परेचर काफी हाई है ठंड का। हाँ, तो बहुत ही हाई, हाई नहीं बोलेगे, लो बोलेगे, हाई तो गर्मी। लो, लो, लो। अंजना यार बेचारी कई बार ना नहीं, नहीं नर्वस हो जाती है, नहीं नर्वस नहीं होती हूँ मैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। और क्या बोलते हैं इस बार गर्म सूट बनाना, तो मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा गर्म सूट बनाना, क्योंकि मेरे ना मायके की पहली शादी है, तो मैं एक सूट भी सिलाना चाहती हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, गाँव में शादी है, ध्रुव को पहली बार मैं अपनी गुठान की शादी दिखाऊंगी। तो गाइस अब देखनी है पहले लोकेशन की, कौन सा वेन्यू हम डिसाइड करें। तो अंजना एक तो यहाँ पे बाहर वो भी है अपना कबीला, पता करना वहाँ पे क्या प्राइस है पर पर्सन, क्या प्लेट पड़ जाएगी। बट हमें बोलो क्या यार एक डांसिंग एरिया भी तो चाहिए होगा ना, मतलब डांस वगैरह भी तो होना चाहिए। भाई के जाने की एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गई कि हम बाहर क्यों आए हैं, तो ध्रुव ने ना इनडायरेक्ट में मुझे रियलाइज करवा दिया कि हम अभी इस चीज के लिए आए हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट को कम करो और इस चीज पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमने शादी में जाना, उसके बाद हमें टाइम मिलेगा नहीं ये चीज करने का, तो हम सोच रहे पहले ही निपटा के रखे। ये देख जरा बाहर से, ये कबीला दिस वन ना, अभी बंद हो गए क्या? ये है भी या नजदीक है, यहाँ तो पैदल भी आ जाएंगे सारे जने, है ना। और यहाँ पे म्यूजिक नहीं होगा अंजू, कहीं और देखते हैं थोड़ा सा। तो अंजना यहाँ पे है ब्लू स्ट्रीट, एक बार यहाँ देख लेते हैं, बैंक्वेट फाइन डाइनिंग क्लब हाउस वगैरह सब कुछ है। दिस वन, हाँ तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं एक बार, अगर चेक करना ना कि हो जाती है पार्टीज वगैरह की नहीं। यहाँ पे ये एरिया बोल रहे कि ये मिलेगा, बट लेट्स सी क्या बनता है। वैसे ये ऑफर मेरे को ना बढ़िया लगी, यहाँ पे जो ऑफर मिल रही है, ऑफर में होगा कि आपके पास होगा नहीं म्यूजिक। अभी हम एक दो ऑप्शंस और देखते हैं, जो भी हमें उसमें से बेटर लगेगी वो हम फाइनल कर देंगे, और उसके बाद हमें अपने गेस्ट भी फाइनल करने हैं। मोस्ट प्रॉब्ली गेस्ट तो सबको पता ही है कौन होंगे, और पापा ने भी बोला था कि एक दो जगह वो पता कर लेगी अपने हिसाब से, और एक दो जगह हम पता कर लेते हैं। चलो पहला हो गया पता। एक प्रॉपर्टी और देखी हमने, वो पता करनी है। हाँ वहाँ भी चल सकते एक बार।
एक बार गाइस हमने उस लोकेशन में गए भी थे और उस लोकेशन मतलब हमें तो काफी ज्यादा पसंद आई थी। बाकी वहाँ पे भी हम जा सकते हैं, अभी हिडन जेम्स है, पता नहीं क्या हिडन विलेज कुछ ऐसा नाम है उस जगह का, बट वो दूर तो नहीं है यहाँ से। दूर का क्या है, चंडीगढ़ अगर बंदा पहुँच सकता है तो वहाँ पे तो और भी ग्रैंड हो सकता है। मतलब तो एक बार ना वो वाली लोकेशन जाके भी देख लेते हैं, मतलब है वो दिल्ली वाले रोड पे, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। एक बार जाके चेक करना तो बनता ही है। तो पिंड च पहुंच गए आपा, तो एक दा कमेंट भी आया सीगा कि भाई पंजाबी च व्लॉग बनाओ तुसी। तो भाई मेनू पंजाबी इन्नी आंदी नहीं है, आंदी नहीं है, पता नहीं क्या होता है। बट पापा जैसे पंजाबी में बात करते हैं ना तो मैं सीख ली है, क्योंकि पापा के वर्ड्स पंजाबी में ही होते हैं। हां, पंजाबी भाषा समझ आ जाती है बट बोलनी नहीं आती इतनी अच्छे से। पहले जब ना मैं मतलब नई नई पापा से मिली थी, शादी करके आई थी, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था। मैं पापा का मुंह देखने रहती थी, लगी पापा क्या बोल रहे। फिर पापा ना हंसते थे, फिर पापा ट्राई करते थे कि वो हिंदी में बोले। ये तो मेरे साथ भी होता है, हमेशा कोई पंजाबी में बात कर रहा है ना, मैं उनको हिंदी में रिप्लाई देता हूँ, फिर वो ऑटोमेटिकली ना हिंदी में बात करते हैं। और जिनको मतलब जो पंजाबी भी ही बोलता है, जब वो हिंदी बोलता है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि उनकी हिंदी में थोड़ा सा एक चेंज जैसा दिखता है। तो गाइज यहाँ पे है वो लोकेशन खेतों के बीच, तो यहाँ जाके एक बार ना पता तो करेंगे हम रेट्स वगैरह ना कि कैसा रहता है, क्योंकि ये जगह बढ़िया है यार, यहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन तो होते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी ना सज रहा है, शादी होके हटी है कि हो रही है अभी नहीं समझ आ रहा है। एक बार देखिए गाइस कितना मतलब ओपन एरिया है तो ये थोड़ा सा अंदर जाके जनकपुर से, पर वर्थ इट जगह यार ये, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। तो एक बार जरा देखिए आप अंदर से, एक बार दिखाया तो था हमने, बट यहाँ पे तो रूम वगैरह भी है यार, वाह। मुझे नहीं पता था यहाँ पे रूम वाला सिस्टम भी है, रूम वाला सिस्टम भी एंजॉय है यार। और एक एरिया ये वाला है, कौन सा वहाँ पे भी लग, हाँ जी स्पेस भी ठीक है, सही बोल रही है, लाइटिंग भी काफी है, कवर्ड भी है ये। वाह जी वाह, डील तो यहाँ पे बन रही है अपनी बढ़िया सी। बाकी लेट्स सी, वैसे ना ये जगह मेरे हिसाब से परफेक्ट है ये जगह, ये वाला हमें पूरा हॉल मिल जाएगा। और ये स्पीकर भी है, यहाँ पे स्पीकर भी है, पर यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डिम लाइट इतनी होगी, रात की रंग ठीक दिखती होगी, ऐसे तो नहीं कि बाहर की लाइटों की वजह से चमक रहा है ज्यादा, ये रात को ठीक लाइट बढ़ जाती है, क्योंकि बोलो क्या ऐसा लग रहा है कोई थोड़ी डिम जैसी तो नहीं है, वार्म लाइट है ना ये, ज्यादा हो जाएगी सर। अच्छा वहीं पीछे से भी है सिस्टम, हुआ फिर ठीक है। छोटे वाला है, सेम है मेरे पास पर इससे छोटे वाला है। क्या बात है, लोकेशन तो भाई एक नंबर है, हर जगह हरियाली हरियाली और साथ में अपना खेत खूत है। बाकी अभी लेट्स सी क्या बनता है अपना। बाकी आप क्या बोलते हो, और देखना चाहोगे एक दो ऑप्शंस तो देखनी चाहिए वैसे, एक ऑप्शन और देखते जो हमने हमें पापा ने बताया था। यहाँ पे तो भाई कहानी अलग चल रही है, ये वाला नया फ्लाईओवर दिख गया मेरे को, कैसे लग रहा है दिल्ली जा रहे हो गाइस। यार ये वाला फ्लाईओवर तो मैंने कभी नोटिस किया ही नहीं यही पहन लिया, खाली विंची टर है जैकेट नहीं है, भगवान मेरे को तो ब्लैक पहना है मैंने, इतनी गर्मी लग रही है और यहाँ से बिना से आ रही है धूप, वाटर बॉटल आए वहाँ पर। हाँ जी ऐसे हम कहीं जाते नहीं बिना पानी के। अब कॉस्मो मॉल के बाहर पहुँच चुके हैं, चलना तो नहीं कॉस्मो मॉल, नहीं कहीं नहीं चलना, गर्मी लग रही है, काम हो जाए बस अपना। सही बात है यार, टेंशन तो वही रहती है कि काम हो जाए। क्या बात है भाई, बढ़िया भाई का आवाज, यूके राइडर थोड़ी है। पहुंच चुके हैं जी हम वीआईपी रोड, चलो जी सूट की शॉप हीर दी हट्टी, यहीं पे वापस करना सूट और दूसरा सूट लेना है। तो अलग अलग ऑप्शंस है अब अंजना के पास चेंज करने के लिए, और एक सूट लेना भी है, अब वो सूट कौन सा रहता है वो तो अभी हम डिसाइड करेंगे, पर मेन है कि चेंज हो जाए फिर ही होगा ना कि हम यहाँ से फ्री होके फिर अपना दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफी नॉट अलाउड, बट अपनी तो अब यहाँ पे रोजाना जाना है तो वीडियोग्राफी करते हैं डायरेक्टली। भाई सूट का काम यहाँ हो जाएगा, इट्स वेरी गुड। अंकल जी ने डील डन कर दी है दो सूट की, अब कैसा रहता है एंड रिजल्ट
वो आपको बताते हैं। क्यों तो गाइज फ्री हो चुके हैं हम फाइनली। अब तो ऐसा लग रहा है कि शादी की शॉपिंग भी होगी अंजना की। तो सीरियसली गाइज मैं ना तभी सूट ना सिलाती नहीं हूँ क्योंकि सूट उतना नहीं आया होता जितना उसकी सिलाई लग जाती है लाइनिंग लुइनिंग के साथ। वो एक तरह से शॉपिंग होती है। इतने में तो आपका गाउन आ जाता है जितने मतलब वो आपके लाइनिंग लुइनिंग पूरा डिजाइन के साथ वो सूट बनता है उतने में आपकी पूरी वो गाउन तो नहीं। पर ये है कि एक रेडीमेड कुर्ता तो आ ही जाता है। मैं देख रहा हूँ सिलाई के चार्जेस ना बहुत ज्यादा महंगे है भाई। पता नहीं क्यों इतने महंगे है ये। इससे ना तू सीख ले सिलाई करना ताकि देखो अगर मैं सूट भी गिफ्ट करूँ ना कभी कल को रेडीमेड ही करना। अब बाकी देखते हैं सिला के कैसा लगता है अंजना का। चलो ये काम तो निपट गया। अब हमने एक लास्ट लोकेशन देख लेते। अब हम इस ट्रैफिक में ऐसे फंस गए है ना। भूख लग रही है बहुत ज्यादा। वहीं पे कुछ खा लेंगे प्रीवियस स्टेट में ना। और इस बार नहीं मतलब रेट भी पता कर लेंगे कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं। आ गया भाई चांस आया है बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप फ्लाईओवर के नीचे आ जाओ ना तो भाई आपको 15-20 मिनट 25 मिनट तो लगने हैं मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम आपका कुछ नहीं पता। शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है बट अभी के टाइम मैं देख रहा हूँ तो है भाई अभी भी है रश। ये देखो गाइस राइट साइड में तो बुरा हाल है। अब आई साइड तो मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल भी डलवाई देता। तो जी अपनी टंकी तो फुल हो चुकी है। अब कहाँ घूमना है चलना तो नहीं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं अभी वो कंफर्म मेरे को तो बस अभी तक एक ही पसंद आया है। अब दूसरा और देखते हैं कहीं एक ये वाला ही देख लेते हैं क्योंकि अंजना के बर्थडे पे हम ब्लू स्टेट गए थे। अच्छा। तो मेरे को ये भी जगह सही लगी है एक बार ना नजर मार लेते। बाकी जूडियो तो है ही यहाँ पे। अगर जूडियो में क्या होगा। अच्छा जूडियो में अपना सामान देख लूंगा ना अगर कुछ अगर पसंद है। पेंटलून भी है इवन बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। यार ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है यार सबसे बड़ी बात। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी देख सकते हैं। चक्कर बस यही फंस रहा है कि यहाँ पार्किंग नहीं मिलती है यार। जीरकपुर में ना ये बड़ी दिक्कत है पार्किंग और ट्रैफिक। जीरकपुर में इसका ही कॉम्बिनेशन है पूरा। जीरकपुर में भी कहाँ है पार्किंग। तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि ब्लू स्ट्रीट जाने से पहले ना ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट देख लेते हैं अंदर यहाँ पे कुछ पसंद आता है कि नहीं। भाई यहाँ पे भी देख अंजना क्योंकि अपने पास भाई ऑप्शन अगर मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा है सिस्टम। यहाँ ऊपर स्पेस देखते हैं। अभी नहीं है एनिवर्सरी भाई। क्या बोलती है कैसा लगा ये। गुड है ना। ऑप्शन तो ये भी अच्छा कर सकते हैं हम नजदीक में है। भी अच्छा है और नजदीक में भी है और काफी अच्छा। बाकी करेंगे डिसाइड जब एनिवर्सरी आएगी तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमने कौन सा चूज किया है। हाँ। अब एक बार ना थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब इसको रील बनाने का टास्क दिया है और यहाँ पे ना इसको पब्लिकली थोड़ी शर्म आ रही है तो चलो शुरू करते हैं। 3-2-1 गो। बना दी इसने बना दी। यहाँ पे मतलब खाने पीने के ऑप्शंस तो है। बफे 300 रुपए में है तो है यार पर चीजें ना बट वो वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। ये देख ये वाली प्लेस ये वाला प्लेस नहीं वो बेस्ट है। किसके साथ चले नहीं चलते यहाँ पे। चलो फिर अब चलते हैं ब्लू स्टेट कुछ खाते पीते फिर घर चलते हैं। आज के लिए बहुत हो गया। कल भी कुछ स्पेशल है जो कि बहुत स्पेशल है उसकी भी हमें प्रेपरेशन करनी है। सही बात है। हाँ पर भाई यहाँ पे ना एक बार पता भी कर लेंगे कि क्या रेट्स है लास्ट जो बचा है। तो भाई लिफ्ट आनी थी तो मैं पैदल ही चलते हैं। दो फ्लोर तो है ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है लिफ्ट में काम। यहाँ तो हम पहले भी आए थे बर्थडे पे भूल गई लाइव म्यूजिक था ना यहाँ पे। वाह ये वाला प्लेस तूने चुना है ये अच्छा है यार यहाँ पे ना बैठने के लिए तो अच्छी जगह है। क्या बोलती है ये जगह भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लाइटिंग थोड़ी यहाँ की फिक्की है। Awesome. पक्का बहुत अच्छा। चलो कुछ तो पसंद आया। अंजना के लिए मैंने ये मंगवाया है पास्ता। एक और आ गया भाई पास्ता खाओ जी खाओ। एक के साथ एक फ्री चल रहा है यहाँ पे ऑफर तो हमने पास्ता ही मंगा दिया है। बढ़िया एक तो खत्म हो ही गया अब नया आ गया। पास्ता कैसा लगा। बहुत पक्का आया मजा खा के
और रात हो गई है भाई पूरी ना, और मैंने तो सन ग्लासेस पहने, तो सन ग्लासेस पहन दी तो मेरे को और भी अजीब सा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा पहले ही है और ऊपर से और अंधेरा। आज का बुक नहीं सुनेगा क्या? हाँ बस अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा बुक करे कौन सा ना करे, बस में देखिए मैं बुक करेगी हम। हाँ करेंगे दिन में से ही, बस पापा से एक बार राय ले लेंगे। मज़ा आ गया पास्ता खा के, डील हमें अच्छी मिल गई, एक के साथ ना एक पास्ता फ्री, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। और खाया नहीं गया हमारे से, बड़ी मुश्किल से ना कंप्लीट किया जितना भी। ओहो भाई साहब क्या हाल चाल है महाराज महाराज महाराज, नींद पूरी हो गई, हो गई नींद पूरी आपकी सेबू भाई? हो गई है शायद तभी। अच्छा गिफ्ट हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों की साथ की हम गिफ्ट दिखाएंगे, आते ही अंजना ने अनबॉक्स करना शुरू कर दिया है गिफ्ट। वाह वाह क्या बात है, वाह तगड़ा मैंने बुक कर दिया भाई, 5 लीटर का टॉकिंग का आ गया अपने पास कुकर। थैंक यू सो मच सरगुन भाई फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। अब अभी ना बस कंफ्यूजन यही बस रही है कि कौन सा वेन्यू डिसाइड करे, अभी पापा से भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक दो दिन में अमाउंट पे करके बुक कर देंगे। एक साल हो गया भाई पता ही नहीं चला कि एक साल हो गया इस भूंदू के साथ, भरोसा नहीं हो रहा मेरे को भूंदू। और पर मजा है जो भी है ना यार, टाइम ऐसे बीतता और ऐसे तभी बीतता है आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, क्यों वरना ऐसे वरना ना तो मुश्किल हो जाता है टाइम बिताना। हमारा टाइम अच्छा बीता इसी पे, हम छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो सही बात है, टच वुड नजर न लगे, भगवान अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर रखे और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे। तो अभी के लिए करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, बाकी कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं आपको वेन्यू 1 वेन्यू 2 वेन्यू 3 वेन्यू 4 या वेन्यू 5 इतने ही थे ना, इनमें से कौन सा वेन्यू पसंद आया, आपके कमेंट्स भी हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। तो अभी के लिए करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, आई होप कि आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड देखते रहे डेली इजी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।